हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू स्पेशल मकर संक्रांति के लिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं घर पे। जाड़ों का मौसम चल रहा है और तिल गुड़ के लड्डू बनाइए, बहुत ही सेहतमंद होते हैं, बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं ये। अगर आपको हमारे तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम तिल लिया है, तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसको अच्छे से साफ कर लिया है। और 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, इसको बारीक थोड़ा सा करके तोड़ लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है, थोड़ी मैंने मूंगफली ली, इसको हल्का सा भून के छिलका उतार के इसको क्रश कर लिया है। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी, अब इसमें हम तिल डाल देंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे लगातार चलाते हुए। इस तरह मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। जी देखिए, तिल हमारे यहाँ पे भून चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर। ये देखिए, हमने फिर दोबारा से वही कढ़ाई ले ली, तिल को अलग निकाल दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। जी घी मेल्ट हो चुका, अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट होने तक इसको चलाते रहेंगे इस तरह से। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। जी हाँ, गुड़ को जब भी आप डालें तो थोड़ा इसको तोड़ के डालें, मेल्ट होने में थोड़ा आसानी होती है और जल्दी मेल्ट होने लगता है। जी थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। आधा मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमें थोड़ा सा पानी लेंगे और 1 ड्रॉप इसमें डाल के देखेंगे, अगर ये जम जाए तो समझ लीजिए कि हमारे गुड़ की जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी बन चुकी है, अभी आधा मिनट और लगेगा इसमें, अभी देखिए जम नहीं रही है। जी हाँ, गुड़ की चाशनी देखिए तैयार हो चुकी है, अब इसे हम 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें तिल ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें तिल जो है वो ऐड कर लेंगे, मूंगफली भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मिला देंगे, मिलने तक इसको अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिए कि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत सावधानी से आप इसको मिलाएं।
देखिए सारा ये हमने मटेरियल जो है मिक्स कर लिया है, अब जो हम इसके लड्डू बनाएंगे, अगर थोड़ा सा ये आपको पतला लगे तो एक आध मिनट के लिए इसे रख दीजिए, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा इस तरह से, फिर हम इसके लड्डू बना सकते हैं आसानी से। जी हाथों पे थोड़ा सा इस तरह से हम पानी लगाएंगे हल्का सा, और फिर चाहे तो आप घी भी लगा सकते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसे इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे इसके, इस तरह से गोल गोल हम लड्डू बना लेंगे। चाहे तो हाथ पे थोड़ा थोड़ा आप घी भी लगा सकते हैं, और तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप इसके लड्डू बनाइए ताकि ये नहीं तो ये जमने लगेगा। ये देखिए बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप। सारे हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। जी हाँ देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए, बहुत ही इजीली ये लड्डू बन चुके हैं इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, सर्दी के मौसम में आप बनाइए, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तिल और गुड़ के लड्डू, सर्दियों के मौसम में ये खाए जाएं तो थोड़ी गर्माहट भी देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये लड्डू। तो कैसी लगी आपको हमारे तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने घर पे बनाएं, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इस मकर संक्रांति पे ज़रूर बनाएं तिल और गुड़ के लड्डू, हमारी रेसिपी के अनुसार बनाएं और हमें बताएं। ओके बाय।